गुड मॉर्निंग क्लास फाइव एवरी वन, ओपन पेज नंबर 37 फ्रॉम चैप्टर 5, अ बेटर यू. टॉपिक नंबर इज 5 इन इंग्लिश लैडर. सो एवरी वन ओपन, टुडे वी विल डू कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी. एक्सरसाइज नंबर ए, दिस इज गिवन इन योर होमवर्क in our previous video, so let's do it again for right answer. Question number 1, take the correct answer. The International Yoga Day is celebrated. International Yoga Day is celebrated means antarrashtriya star par International Yoga Day jo hai wo kab celebrate kiya jata hai. There are given 4 dates: 21st of June, 23rd of June, 21st of July and 23rd of July. And your right answer is 21st of June. 21st of June. Second, we should learn correct yoga posture from any elderly person, kisi bade vyakti se, a sport teacher, game teacher se, a yoga expert, yoga prasikshak ya a friend, apne dost se. Your right answer is a yoga expert. Okay? Kar rahe? Are you doing? Everyone? Do it. Next. In Dhanushasan, jo Dhanushasan ek asan hai, the following should be in correct position. Means, jab usko karte hain, to jo hamara jo position hai, wo kaisa hona chahiye? To dekho, iska answer hai shoulder, ankle, knee and back. ये जो है धनुशासन में आपके कैसे होते हैं, एकदम राइट पोजीशन में होते हैं. आपके देखिए बुक में भी लिखा हुआ है, इन बुक यहाँ पे लिखा हुआ है, इंश्योर दैट इन, देखो यहाँ पे देखा धनुशासन और वो पोर्शन. व्हेन यू मेक दिस पोस्चर, जब आप ये पोस्चर बनाते हो, यू नीड टू इंश्योर दैट योर शोल्डर, एंकल, नी एंड बैक आर इन अ करेक्ट पोजिशन. मीन्स तब आपके ये जो शोल्डर है, एंकल्स है, नी है और बैक है, ये करेक्ट पोजीशन में रहें. फोर, द माइंड कैन बी बेस्ट कैप्ट काम बाय, जो माइंड है आपका वो किस तरीके से शांत रह सकता है, बाइटिंग नेल, नेल काटने से, प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने से, ईटिंग हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाने से जो न्यूट्रिशन डाइट हो, डूइंग मेडिटेशन या मेडिटेशन करने से, नेचुरली. यस, राइट आंसर इज डूइंग मेडिटेशन. ठीक है. नाउ 5, योगा एक्सरसाइजेज शुड बी डन, जो योगा एक्सरसाइजेज है वो कहाँ करना चाहिए. इन अ क्लोज एंड क्लीन एनवायरनमेंट, मीन्स बंद और एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में. इन एन ओपन एंड क्लीन एनवायरनमेंट, खुला और साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो. अंडर अ ट्री, किसी पेड़ के नीचे. इन एन एयर कंडीशन हॉल, या फिर एक किसी वातानुकूलित हॉल में. एंड योर राइट आंसर इज इन एन ओपन एंड क्लीन एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये हमारे हो गए, हमने कर लिया. नाउ टाइम फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. लेसन से इसको जो है हमें क्या करना है, फिल करना है. चलिए इसको फिल करते हैं. प्रैक्टिसिंग प्रॉपर डैश और ब्रीथिंग कैन हेल्प ब्रिंग मोर आवर ब्लड एंड ब्रेन. प्रैक्टिसिंग प्रॉपर क्या, टेक्निक्स ऑफ ब्रीथिंग. टेक्निक्स ऑफ ब्रीथिंग मीन्स सांस लेने की जो टेक्निक है, इससे क्या होगा, कैन हेल्प मोर एंड मोर आवर ब्लड एंड ब्रेन. जैसे कहते हैं ना, जो जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, तो ये क्या है, ये टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग है, एक सांस लेने की प्रक्रिया है, तरीका है. तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड है और जो ब्रेन है वो जो है वो क्या होता है, बहुत सही रहता है. सेकेंड, मैनी टी वी चैनल्स डैश में चैनल, मैनी टी वी चैनल्स एंड इंटरनेट साइट ऑल्सो टीच यू योगा. मीन्स बहुत सारे टीवी चैनल और इंटरनेट साइट्स पे आपको जो है योगा टीच करने के लिए मिल जाएंगे. थर्ड, धनुशासन इज ऑल्सो कॉल्ड बो पोस्चर. बो मीन्स जो एक तीर धनुष के आकार का पोस्चर हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि धनुशासन जो होता है ऑल्सो कॉल्ड अ बो पोस्चर. ये जो आपका आसन है, यू कैन सी ये, यह
जिसको बोलते हैं बो पोस्चर. व्हेन व्हेन यू नो फोर व्हेन वन स्टार्ट डूइंग योगा एक्सरसाइज, जब कोई स्टार्ट करता है योगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक दैट करेक्ट योगा पोस्चर. मीन्स तब ये जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं तो जो योगा है वो पोस्चर वो करेक्ट होना चाहिए. ठीक है. सिटिंग इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधा, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैक. मीन्स आपका जो बैक का जो पोजीशन है उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पोजीशन है बैठने का वो एकदम से प्रॉपर हो. सिटिंग इरेक्ट. ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं. प्रैक्टिसिंग प्रॉपर टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग कैन हेल्प ब्रिंग मोर ऑक्सीजन टू आवर ब्लड एंड ब्रेन. ठीक है. सेकेंड, मैनी टीवी चैनल्स एंड इंटरनेट साइट्स ऑल्सो टीच यू योगा. थर्ड, धनुषासन इज ऑल्सो कॉल्ड द बो पोस्चर. व्हेन वन स्टार्ट डूइंग योगा एक्सरसाइज, इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक द करेक्ट योगा पोस्चर. सिटिंग इरेक्ट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द बैक. ओके, तो टुडे वी हैव डन एक्सरसाइज नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपका जो टिक द करेक्ट ऑप्शन में नंबर 1 है, उसका राइट आंसर 21st of June इज द डेट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे. इन सेकेंड, वी शुड लर्न करेक्ट योगा पोस्चर फ्रॉम अ योगा एक्सपर्ट. थर्ड, इन धनुषासन द फॉलोइंग शुड बी इन करेक्ट पोजिशन, शोल्डर एंकल नी एंड बैक. इन अ फोर, द माइंड कैन बी बेस्ट कैप्ट काम बाय डूइंग मेडिटेशन एक्सरसाइज, मतलब ऑप्शन नंबर डी. एंड फिफ्थ, योगा एक्सरसाइज शुड बी डन इन ओपन एंड क्लीन एनवायरमेंट. एंड आफ्टर दैट वी हैव डन एक्सरसाइज नंबर बी, filling the blank with suitable word from lesson. In next video, we will do answer the following question. Till then, you will write both exercises A and B on page number 37 and 38 and send me for correction. Take care. Have a nice day.